दोस्तों नमस्ते, चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं फिर से आज फ्री कुंडली रीडिंग लेके आया हूँ। आज फिर से एक कुंडली की रीडिंग होगी। ये कुंडली प्रोसेस में सितंबर के महीने में 30 सितंबर थे जिन्होंने जिन्होंने भेजा था, उसकी आखिरी रीडिंग है। इसके बाद इस सितंबर के महीने की 30 सितंबर की रीडिंग नहीं होगी। तो आप लोगों में से जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है उनको सॉरी, और अगर आप फिर से अपनी रीडिंग में डालना चाहते हैं तो रिपीट लिख के और फ्रेश एक चैनल का सब्सक्रिप्शन की स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दीजिए। मैं अगली रीडिंग में आप लोगों की फिर से कोशिश करूँगा जी कि आपकी रीडिंग करने की कोशिश कर सकूँ। जो लोग नए हैं उनको वही बोलूँगा जी कि फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप लोग भी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग में अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वगैरह भेज दीजिए, अपने दो सवाल भेज दीजिए। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट हुई 15 अक्टूबर के बाद आपकी भी रीडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, उसका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर भेजना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं काफ़ी सारी कुंडलियाँ रीड करता हूँ और मैं काफ़ी सारी कुंडलियों में मेरे को मैं रीड नहीं कर पाता हूँ, ये भी सच है, ज़्यादा रीड नहीं कर पाता हूँ और कम रीड होती हैं। रीज़न बिंग कि अगर 50 आई तो उसमें से 5 या 6 ही कुंडलियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कुंडलियाँ रीड होती हैं, उससे ज़्यादा रीड नहीं होती है। तो बाकी 40-45 कुंडलियाँ रीड नहीं कर पाता हूँ। तो इसमें मैं देख रहा हूँ जी कि काफ़ी लोगों को उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो मैं एक प्रोसेस अब चालू करने वाला हूँ जिसमें हो सकता है आप लोगों को थोड़ा मदद हो। मैं आज के बाद से कुछ दिनों में लगन के हिसाब से आप लोगों की पर्सनल रीडिंग दूंगा। पर्सनल रीडिंग नहीं मतलब आपके लगन की रीडिंग दूंगा, पर्सनल रीडिंग नहीं दूंगा, लगन की रीडिंग दूंगा। तो अगर आपकी कोई लगन हो, जैसे आप मेष लगन के हैं, मतलब एरीज हैं, टॉरस हैं, जर्मिनी हैं, कोई भी लगन के हैं, उसकी मैं पर्सनल पूरी लगन की रीडिंग दूंगा और उसके अच्छे भाव और उसके कैसे आपकी आपकी कुंडली में आपके कौन कौन से भाव स्ट्रांग हैं उन सब के बारे में और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और आपकी लाइफ के बारे में, करियर से लेके मैरिज तक के जितना हो सकेगा उतना मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ जी कि वो काम करने पे आप लोगों को थोड़ी मदद मिले अपनी पर्सनालिटी के बारे में और अपनी लाइफ स्टेटस के बारे में या अपने बारे में जानने के लिए और फ्यूचर के डिसीजंस लेने के लिए। इसी कारणवश मैं ये करने वाला हूँ क्योंकि मैं सारी कुंडलियाँ रीड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जिनको अब जिनकी रीड नहीं कर पाता उनको कुछ सहूलियत अगर मैं कर सकूं तो अपने साइड से मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। बहरहाल फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग का प्रोसेस मेरा चलता रहेगा। जिन जिन की रीडिंग मैं करता हूं उनकी जिन जिन की सिलेक्शन होगी उनकी रीडिंग मैं करता रहूंगा, लेकिन ये भी मैं करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में एस्ट्रोलॉजी और अपने बारे में समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये मेरा कोशिश है, हो सकता है थोड़ा समय लगे या हो सकता है जल्दी हो, लेकिन मैं 12 राशियों के बारे में और चाहे आपका मून साइन हो, आपका एसेंडेंट हो या आपकी मतलब आपकी चंद्रमा की राशि हो या आप एसेंडेंट हैं, आपके लगन हो या आपका सन शाइन हो, उसके बेसिस पे सबके बेसिस पे क्या क्या डेफिनेशन होगा मैं सारा डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़ और शेयर करिए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। बहरहाल अब जो फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग अब जो करने वाला हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये विशु जी की कुंडली है। विशु जी के दो सवाल है सर, मैरिज कौन सा होगा, लव या अरेंज। आजकल मोस्टली सारे सवाल जो एस्ट्रोलॉजी में आते हैं वो करियर रिलेटेड होते हैं या मैरिज रिलेटेड होते हैं या ग्रोथ रिलेटेड होते हैं, तो यही सवाल ज़्यादातर होता है। तो इसलिए मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें नहीं ला पाता हूँ आप पर्सनल फ्री रीडिंग पे। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं तो इन्हीं चीज़ों पे फोकस करिएगा क्योंकि इन चीज़ों को लोग ज़्यादा फोकस में लेते हैं, तो आप भी लोग लीजिएगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ विशु जी की कुंडली है। मैं विश करता हूँ जी कि मुझे नए डिफरेंट कुछ नए सवाल मिले, अच्छे सवाल मिले जिनको मैं मतलब सिलेक्ट कर पाऊँ, लेकिन वो सवाल मिलते नहीं हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस है सवाल, उसके बाद कुंडली और उसके बाद आपका तरीका, किस तरीके से आप बात करते हैं या डील करते हैं। कई सारे रीजंस हैं लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सवाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे सवाल पसंद आना चाहिए, लेकिन आजकल मुझे सवाल कुछ खास पसंद आते नहीं है, इसलिए फ्री रीडिंग करते वक्त भी कई बार झिझकता हूँ जो कि क्या करूँ, करना चाहिए कि नहीं। चलिए कोई नहीं, फ्री रीडिंग अभी जो चल रही है वो चला करूँगा ही, उसकी मेरी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो पूरी करूँगा। हाँ विशु जी, आपके सवाल है जी कि मैरिज या लव मैरिज होना चाहिए, अरेंज मैरिज होना चाहिए। विशु जी, मैंने जो भी कुछ बोला उसे पर्सनली मत लीजिएगा, ये आपकी पर्सनल आपकी पर्सनालिटी को कुछ भी नहीं अफेक्ट करता, ये सोसाइटी की थिंकिंग को मैं डिफाइन कर रहा था जो मुझे नज़र आता है। तो विशु जी, आपने सवाल पूछा लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज। सबसे पहले विशु जी, आपका मंगल 10वें घर पर बैठा है
शक्तिशाली मंगल है, मांगलिक करता है आपको, लेकिन ये मंगल ऊंच का बैठा हुआ है, मतलब एग्जल्टेड मंगल बैठा है। 10वें घर में मंगल एग्जल्टेड हो जाता है तो ये अच्छा बैठा है, लेकिन मंगल जिसके घर में बैठा है, शनि के घर में बैठा है, वो नीच का होके बैठा हुआ है, तो असर यहाँ पे 25% कम हो जाएगा, बिकॉज शनि यहाँ पे डेब्लिटेटेड है, शनि यहाँ पे नीच का बैठा है। लव मैरिज के चांसेस बनते हैं, कोशिश ये करिएगा जी कि अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी करिएगा जो आपको आपकी तरह भी आपकी बिहेवियर में अच्छा आपके साथ नेचर में मैच कर सके। केतु 7th हाउस में बैठा है तो लोनलीनेस की तरफ दिखाता है, तो आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है। मंगल भी यहाँ पर बैठा हुआ है, एग्रेसिव है, मांगलिक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं दिखता है मैरिज को लेके। लेकिन अगर मैरिज अगर आपकी है कि आप कुछ आपकी चाहत है तो आप उसको अपनी पसंद के हिसाब से करेगा, अपनी जो सबसे ज़्यादा आपकी जो पसंद है अगर उनसे करें, जो आपको सही लगता है उनसे करें तो बेहतर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो यहाँ पे मंगल आपको डेफिनेटली हार्श रिजल्ट देगा, राकेतु यहाँ पे लोनलीनेस या आइसोलेशन की तरफ सर्टनली लेके जाएगा, इससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। राहु पहले घर पर बैठा है, चौथे यहाँ पर 4 नंबर लिखा मतलब लगन में बैठा है और मून की राशि में बैठा है। राहु यहाँ पर डिप्रेशन और यहीं से डिप्रेशन आएगा, करियर से लेकर डिप्रेशन आ सकता है या फादर से कोई डिप्रेशन आ सकता है, और साइमल्टेनियसली फैमिली से डिप्रेशन आएगा, मन खराब रहेगा अगर आप ये साम चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको मंगल के लिए आपके मंगल आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लाइफ पार्टनर के हिसाब से मैं देखूं तो लव मैरिज करिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल ऊंच का बैठा हुआ है। और अगर आप रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो देखिए यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, बुध भी यहाँ पे 3रे घर में बैठा है, तो अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई अगर आपसे दूर आपसे डिस्टेंस से कोई रिलेशन कोई बनता है, राहु भी 4th हाउस में बैठा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपने बर्थ प्लेस से अगर कोई दूर कोई रिलेशनशिप बनती है तो वह आपके लिए बेहतर रहेगी, और लव मैरिज होए तो बेहतर रहेगी, या अपनी पसंद की अरेंज मैरिज भी हो तो आपकी पसंद होनी चाहिए, वो एक्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको फील हो वो जरूर देख लीजिएगा शादी को लेके। 28 के बाद कोशिश करिएगा, 28 की एज के बाद तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक मंगल मेच्योरिटी पे ले आएगा। और वैसे भी आपकी महादशा राहु की चल रही है, अगर आप देखें तो राहु की महादशा 2027 पे ख़त्म होगी, तो कम से कम तब तक अभी 23 चल रहा है, तो 4 साल का फ़र्क है, तो 23+ आप जब आप 27+28 हो जाएंगे, उसके बाद गुरु की महादशा चलेगी, उस वक्त पे शादी करना आपके लिए बेहतर होगा। अभी राहु की महादशा आपके मन और आपके व्यवहारिक जीवन में अच्छा फल नहीं दे रहा है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। जहाँ पे मुझे दिक्कत दिख रहा है वो फादर को लेकर दिख रहा है, बाकी वो सवाल आपने पूछा नहीं है तो मैं ये जवाब नहीं दूंगा इसके रिगार्डिंग। हालांकि यहाँ पे गुरु अगर अब आपकी करियर के बारे में बात करते हैं, तो करियर की अगर बात करें तो आपका गुरु बैठा हुआ है 10वें घर में और आपके मंगल बैठा है 7वें घर में और शुक्र बैठा है 4थे घर में, तो घर से अगर आप कोई भी कन्वीनियंस का बिजनेस करना चाहे या मदर के नाम पे कोई बिजनेस करना चाहे तो जरूर यहाँ पे आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं, या मदर के साथ मिलके कोई बिजनेस करें तो आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। फादर के साथ भी अगर आप काम करेंगे तो अगर आप देखें तो शनि यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है 1ले घर में, तो ये शनि यहाँ पे अच्छा फल नहीं देगा, शनि की दशा अंतरदशा में कभी भी आपको कोई भी काम अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन गुरु यहाँ पे 1ले घर पे बैठे हैं, अच्छे घर पे बैठे हुए हैं, मित्र राशि में बैठे हैं और मंगल ऊंच के हो रखे हैं, तो देखा जाए तो गुरु यहाँ पे सपोर्टिव होगा। हो सकता है जी कि आपके फादर से आपका डिस्टेंस हो, उनका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, या उनके जीवन की उनका वो उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी में थोड़ा सा मुझे सवाल होता है कि कहाँ पे हो, लेकिन उनके अगर आप बिज़नेस को पकड़ते हैं यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि अगर आप फादर का बिज़नेस अपने आप संभालना शुरू कर दें विद द हेल्प ऑफ योर मदर, मतलब अपनी मम्मी के साथ हेल्प करके अगर आप अपने फादर का बिज़नेस संभाले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप बिज़नेस में जाएँ तो अच्छा रहेगा। एक सीरियस इंपॉर्टेंट एडवाइजरी ये दूंगा कि कभी भी किसी पार्टनरशिप पे मत जाइएगा, आपके एग्रेशन या आपके बिहेवियर की वजह से आपके पार्टनर्स आपको धोखा दे सकते हैं। साइमल्टेनियसली ये भी हो सकता है जी कि राहु आपको यहाँ पे पार्टनरशिप और मैरिज से कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट दे, तो अपने आप को उस चीज़ों से दूर रखिएगा। एक्सेसिव थिंकिंग और एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस लाइफ से, उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा। राहु यहाँ पे मून की राशि में बैठ के इन सब चीज़ों से आपसे गलत काम करवा सकता है, या गलत लोगों से आपकी मित्रता होकर आपको लॉस हो सकता है, तो बिज़नेस के रिलेटेड ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि करियर फ्रंट में अकेले बिज़नेस करिएगा, किसी के साथ मत करिएगा, सिर्फ माता या
आप अपने फादर के बिजनेस को संभालें तो अच्छा रहेगा, मम्मी के साथ में अगर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मम्मी का मदर का एक और चीज़ है बिजनेस के लिए, एक चीज़ और बोलूँगा जो कि मदर गॉडेस की, किसी भी दुर्गा या चंडी या किसी भी शक्ति पीठ की जो गॉडेस है उनकी पूजा करिए। माँ लक्ष्मी की भी आप पूजा कर सकते हैं, यहाँ पर शुक्र आपको अच्छा बेनिफिट देंगे। कुछ भी ब्यूटी रिलेटेड काम करें तो अच्छा रहेगा। मंगल आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी मदद करेगा, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या आके कोई भी ऐसे एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी लाइक जिम या कोई भी चीज़ जो फिजिकल एफर्ट्स को लेके दिखाता है तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर शुक्र और मंगल को देखा तो आप जिम खोल सकते हैं, जिम के लिए आपका अच्छा रहेगा बिकॉज उससे इंसान खुद को खूबसूरत भी महसूस करता है, तो वीनस वहाँ पर आ जाता है, अट्रैक्टिवनेस की तरफ आ जाता है। और दूसरा मंगल यहाँ पर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी दिखाता है, तो आप जिम जैसे काम कर सकते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड काम या भी कोई भी फिजिकल रिलेटेड प्रोडक्ट से काम कर सकते हैं जो ब्यूटीफाई भी करता हो और प्रोडक्ट में रिलेटेड हो। तो ये आपके रिलेटेड रहा विशु जी, आपकी राहु की दशा चल रही है, माँ दशा चल रही है, इस वक्त अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, ये आउट ऑफ द लीक बोल रहा हूँ मैं, आपके मन में भारीपन आता होगा तो उसको रोकिएगा। आप अपने को लेके कई सवाल खड़े करते हैं, कोई भी आपको आपके कुंडली में देखूंगा तो देख के इतना बोलूंगा जी कोई भी ऐसा कोई सीरियस सवाल नहीं है। मून आपके सेकेंड हाउस 11th हाउस में बैठा है, हालांकि शुक्र के घर में बैठा है इसलिए बोल रहा हूँ, शुक्र मित्र नहीं है यहाँ पर लेकिन अच्छे घर में बैठा है मून, क्योंकि यहाँ पे 11वें घर में बैठा है मून, लेकिन यहाँ पे और मून यहाँ पे मेरे हिसाब से एग्जल्टेड भी बैठा हुआ है मून यहाँ पे। एक मिनट देख लेते हैं, होल्ड पर रहिएगा। देखा जाए तो मून भी यहाँ पे एग्जल्टेड बैठे हैं, और यहाँ पे मून एग्जल्टेड बैठने के कारण, शुक्र के यहाँ पे बैठने के कारण, और एक देखा ये बहुत ही अच्छा मतलब आपके लिए योग है। हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है लेकिन मदर से रिलेटेड या घर से आप कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट का भी अगर आप बिजनेस करते हैं कॉस्मेटिक रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड, तो उसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा जो कि राहू की महादशा चल रही है, अपनी मदर का साथ रहिए, मदर की आप एडवाइस के साथ या मदर के बातों को ध्यान में रख के चलिएगा, खुश रहने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान किसी भी गॉडेस की पूजा करिए और भोलेनाथ की पूजा करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी मेरी रीडिंग आपके लिए विशु जी, होप करता हूँ आपको पसंद आई।